कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक समझ ना आ रहा हो तो वो बता दें। सर सर समझ आगे, लेकिन वैसे भी मुश्किल है। आ गई है तो वेल एंड गुड, मुश्किल बात भी समझ आ गई है। सर मैंने आपसे पूछना था, जो टक्स स्टिच है उसका जो डायग्रामेटिक है, अगर हम लोगों ने उसको बैक बैक लूप स्टिच में बनाना हो तो उसका वो मैंने ऊपर की तरफ कर देंगे वी। आपको बताया था कि उसको आप एक ही तरीके से बना लें जिस तरीके से आपको बताया। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी बच्चे, सॉरी। हाँ जी, आप बताएं क्या बता रहे थे। सर आपका फेस होगा या बैक हो, लूप होगा, आप उसको एक ही तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने आपको कहा कि आप उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हाँ मतलब सर उसका बी नीचे की तरफ ही होगा। जी, आपने उसको एक ही तरीके, जो आपको एक बताया आप उसी तरीके से उसको बनाएंगे। मिस भी और टक भी दोनों। इसके अलावा ये कौन है आए 1360, चिड़िया कड़ाइयां ले रहे हैं। अब खामोश हो गया। सलमान था ये या तलहा था। सर सलमान सर का मैसेज आया कि वो आज क्लास नहीं ले सकेगा क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट का इशू है ना, लाइट नहीं है सुबह से। अच्छा ठीक हो गया। वो और कोई हुक्म मेरे लायक। मैंने जो बात पूछी है वो बताएं। ये मैसेज छुट्टियाँ देना दे दें छोड़ दें, मैं छुट्टियां दे दूं, मैं शक्कर में मुंह लगा हूं यहाँ पे। मैं पूछ रहा हूँ कि कोई बात सर, समझ आप नहीं लगी अब तक, तो वो बता रहे हैं मुझे। हमारे सर, हमने सुना कि सर यूनिवर्सिटी लेक्चर कब खुल स्टार्ट गई हुआ है, था, मैम अरुबा की केचिस की क्या वो हुआ है, रिक्वेस्ट भेज। क्या हुआ मिस रूबा को। वो सर कह मैम रही थी रूबा कह रही थी कि कहा है रिक्वेस्ट कि भेज दी सर्टिफिकेट। है कि यूनिवर्सिटी खुल रही है, उन्होंने कह रही थी 1 वीक में नोटिस आ जाएगा। मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, काइंडली अपनी डीपी चेंज करें पहले ही फुर्सत में। अच्छा हाँ सर हाँ कौन सर मेरी है। आवाज आ रही है, मुझे लग रहा है बिल्कुल आ मैम रही ने है। हमसे काम करवाने के लिए हमें ब्लॉक सर कर ये दिया। क्लास कब स्टार्ट हुई थी। सर आप बात करने यार के अभी लिए स्टार्ट हुई है 2 बजे। चलें, फिर ठीक है सर। और कुछ मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे वो बताओ यार, क्या सवाल उल्टे सीधे पूछ रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ कि कुछ चीज समझ नहीं लगी तो वो बताओ मुझे। पहले सर पहले लेक्चर्स में जो अब तक पढ़ा है, बिकॉज जो पढ़ ली है, अब जो आज से टॉपिक शुरू करना है वो इंटायरली डिफरेंट हो गया पहले वाले से। वो बेसिक्स थी, अगर वो दोबारा नहीं रिपीट करूंगा फिर। अभी पूछ रहा हूँ इसलिए बार बार, के उसमें कोई इशू है तो वो बता दो। सर, हमने वो रिवाइज नहीं किया, अब रिवाइज करेंगे, पता नहीं लगेगा सर, आता है। नो इश्यू सर आप करा दें आगे स्टार्ट, सर, आपको नेक्स्ट रिकॉर्डिंग्स पढ़ क्लास ली में है सुन बता लेंगे दूंगी। वो। ओके हो गया, मैंने प्रेजेंटेशन शेयर की है आप लोगों के साथ। नजर आ रही है। सर सर एक बात तो बता दें। जी जी कुछ यस सर, आ रही सर। मिड्स कब है? आपको बताया था बच्चे, आपके मिड्स एंड फाइनल्स एंड लैब्स दे विल बी ऑन कैंपस। ये तीनों चीजें ऑनलाइन नहीं सब होंगी। मिड्स और फाइनल्स एक साथ होंगे या अलग? अभी इसके ऊपर पॉलिसी डिसाइड नहीं हुई, इट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। अभी के लिए यही है कि ये तीनों चीजें आपकी ऑन कैंपस होनी है। लास्ट क्लास में ये बताया था मैंने, ओके सर। ठीक है। सर हमारा हम सिलेबस कितना रह गया है? हम पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं। नहीं बच्चे कहाँ पढ़े जैसे जा रहे बहुत पढ़ा रहे हैं आप लोग, हैं आप लोग, मतलब सब टीचर्स बहुत पढ़ा रहे हैं। आपने एडमिशन क्यों लिया था इस डिग्री में। सर हमसे थोड़ी सी झूठी बातें सर की ना गई थी पढ़ने के कि मजा लिए आएगा।
इसमें इतनी इसमें पढ़ाई नहीं होती, इसलिए हम तो यहाँ आए थे। वैसे लगा तो यही था कि ब्रश उठा के दो स्ट्रोक्स मारने पड़ने पूरे 4 साल में। सही हो गया। वेलकम टू द रियलिटी, यही हो सकता है, और क्या कहूँ। यस सर, आप पढ़ाएं, यही हमारे नसीब में है। जी बिल्कुल, बच्चे जिंदगी का एक ही मकसद है ना, इसके अलावा आपकी जिंदगी का फिलहाल क्या मकसद है, कि खा लिया सो लिया और दैट्स इट। यस सर बिल्कुल। क्या टिकटॉक बना लिया और क्या। आई एम वेरी हैप्पी सर, मैंने आपके सारे लेक्चर्स लिए, मैंने तो रिवाइज भी कर लिए सारे पिछले। जी मैं सारी जिंदगी एहसान मंद रहूंगा इस चीज के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमने जो अब तक पढ़ा था उसमें हमने जो मशीन के ऊपर निटिंग होती है उसकी बेसिक्स पढ़ी थी। उन बेसिक्स में हमने ये कुछ ये चीजें पढ़ी थी कि एक तो फैब्रिक जो है और जो निटिंग है उसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि लूप्स होते हैं, स्टिच लेंथ होती है, स्टिच डेंसिटी होती है, वेल्स होती हैं, कोर्सेज होती हैं। देन उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि मशीन की कुछ चीज़ें होती हैं, जिसमें हमने कहा था नीडल बेड होता है, उसके अंदर सिलेंडर भी हो सकता है, उसके अंदर डायल भी हो सकता है। और फिर हमने कहा था कि उसकी मशीन गेज होती है एक चीज़, जिससे फैब्रिक कोर्सर या फाइनर बनता है। अपने माइक्स काइंडली ऑफ कर दें, अगर बात करनी होगी तो ऑन कर दीजिए। एंड देन हमने उसके बाद कहा था कि मशीन की जो नीडल्स हैं उसकी कुछ टाइप्स होती हैं, 3 बेसिक निटिंग एलिमेंट्स होते हैं जिसमें नीडल थी, सिंकर था और कैम थी। काइंडली बच्चे अपने माइक ऑफ कर लें। नहीं समझ लग रही हो। अच्छा, सो हमने उसमें वो बात की थी और उसके बाद हमने कहा था कि हमारे पास 3 तरह के, फिर हमने कहा था कि डिफरेंट तरह के स्टिचेस होते हैं, जिसमें नेट स्टिच था, टक स्टिच था एंड मिस स्टिच था। हमने कहा इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम डिजाइनिंग करते हैं और फैब्रिक की प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि हमारे पास 4 तरह के सिंगल जर्सी के और डबल जर्सी के फैब्रिक्स होते हैं, वेब सर्कुलर के। सिंगल जर्सी के अंदर हम सिर्फ सिलेंडर की नीडल्स यूज करते हैं तो हमारे पास सिंगल जर्सी फैब्रिक बन जाता है। डबल जर्सी के अंदर आगे 2 कॉन्फिग्रेशन थी, सिलेंडर एंड डायल, जिसके अंदर सिलेंडर एंड डायल के बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट नीडल्स लगी होंगी और वो लॉन्ग और शार्ट नीडल्स होंगी तो वो इंटरलॉक फैब्रिक बनाएंगी, और अगर वो एक दूसरे के एडजस्टेंट लगी होंगी सिलेंडर और डायल में तो वो हमारे पास रिप फैब्रिक बनाएंगी। और फिर हमने कहा था इसी तरह एक चौथे तरह का फैब्रिक है जिसे हम पर्ल फैब्रिक कहते हैं, जिसके अंदर डबल सिलेंडर कॉन्फिग्रेशन होता है, सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर होता है, एक ही नीडल होती है, दोनों तरफ हुक बना होता है और वो दोनों सिलेंडर्स के दरमियान अल्टरनेटिवली मूव करती है। तो ये फैब्रिक की टाइप्स थी। आज हमने जो देखना है वो ये है कि वेब सर्कुलर की ये जो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली होती किस चीज़ पे है। अगर आप लैब में आते तो पहले दिन ही आपको ये मशीन दिखा देता, तो जब आएंगे तो देन वी विल सी इट। अभी हम मशीन आज पढ़ने लगे कि वो जिस मशीन की बात कर रहे हैं वो है क्या। सो ये जो आपको अभी नज़र आ रही है डेट इज़ दी वेब सर्कुलर निटिंग मशीन, ठीक है। सर्कुलर इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि ये एक सर्कल के अंदर फैब्रिक बनाती है। वेफ्ट की मशीन जो होती हैं निटिंग की वो फ्लैट भी होती हैं, जैसे लूम होती है फ्लैट, ऐसे फ्लैट भी होती हैं, विड्थ वाइज भी होती हैं और सर्कुलर भी होती हैं, ठीक है। इसके कुछ पार्ट्स हैं वो आगे चल के देखते हैं। सो यहाँ पे ये एक लेटेस्ट मशीन की पिक्चर है। ये जो इसका ऊपर वाला पोर्शन होता है यहाँ से हमारे पास धागा आता है, यान आता है, ठीक है। इस वाले पोर्शन के ऊपर हमारे पास, अगर मैं इसको पेन से ड्रा कर सकूं, ये वाला यान फीडिंग सिस्टम है हमारे पास, ये यान फीड करता है। और ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास इन ग्रीन एंड रेक्टेंगल, दिस इज द निटिंग पोर्शन, जहाँ पे हमारी नीडल्स हैं, हमारी कैम्स हैं और सिंकर लगे हुए हैं। ये जो ऊपर वाला रेड सर्कल के अंदर पोर्शन है यहाँ से यान फीड हो रहा है, ग्रीन सर्कल के जो रेक्टेंगल है यहाँ पे हमारे पास निटिंग हो रही है, और जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पे हमारे पास फैब्रिक को हम कलेक्ट कर रहे हैं। रोलर्स लगे हुए हैं जो फैब्रिक को रोटेट करते रहते हैं अपने ऊपर और फिर वहाँ से हम उसे कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है।
निटिंग के अंदर आपको बताया था जो यार्न और यूज होता है हमारे पास वो बहुत ही सॉफ्ट यूज होता है और ट्विस्ट पर इंचेस कम होते हैं, इसलिए फ्लफ जो होती है या कॉटन लिंट जो होता है फाइबर्स वो एयर में बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि वो लूजली बाउंड होते हैं तो वो इजीली बाहर आ जाते हैं। सो निटिंग के अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास पाइप्स लगे होंगे जिनके अंदर से धागा पास हो रहा होता है, उन पाइप्स को एक्चुअली हम कहते हैं यार्न गाइड्स, क्लोज यार्न गाइड्स। एक्चुअली वो धागे को उसके अंदर से पाइप से गुजार के लेके जा रहे हैं कि उसके ऊपर फ्लफ वगैरह जो है वो इंट्रैप ना हो और वो जो नीडल है या निटिंग का प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब ना करें। इसी तरह जो निटिंग का हमारा ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे हमारे पास फैंस लगे होते हैं जो फ्लफ को जो है वो वहां से रिमूव कर रहे होते हैं, नीडल की हुक में के अंदर इंट्रैप ना हो, और अगर वो इंट्रैप होगा तो वो नीडल की हुक जो है वो ब्रेक हो जाएगी, फिर मशीन रुकेगी, फिर नीडल को रिप्लेस करेंगे, फिर दोबारा जो है मशीन को चलाएंगे। ठीक है, सो निटिंग के अंदर फ्लफ का एक इशू होता है कि उसको हमें अकोमुलेट नहीं होने देना होता। अच्छा, ये भी एक निटिंग की मशीन है। अब दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो यार्न फीडिंग सिस्टम है अगर इसके अंदर देखें हमारे पास तो ये कॉन्स जो है ये स्पिनिंग से आई है, वो लास्ट सेमेस्टर वाला सब्जेक्ट अगर आपको याद हो तो वो हमने धागा बनाया था, वो धागा बन के निटिंग के अंदर आया और हमने इस मशीन के ऊपर लगा दिया। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको कहते हैं टॉप एंड ग्रिल, के मशीन के ऊपर ही ग्रिल लगी हुई है। ठीक है, एक जो लास्ट पिक्चर में था इसे हम कहते हैं साइड एंड ग्रिल, ये जो यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, ये इधर और इधर, और ये यहाँ जो आपको चीजें नजर आ रही हैं दीज आर दी गाइड्स। ठीक है, तो यहाँ से धागा हमने सेलेक्ट करना है, यहाँ से यहाँ ले आना, तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन पर मशीन अवेलेबल होती है। जी सर, आप लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं? जी बिल्कुल कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो तरह की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, इसे हम कहते हैं साइड एंड ग्रिल और उसे हम कहते हैं टॉप एंड ग्रिल। ये मशीन की साइड पर भी हो सकती हैं, जब मशीन की साइड पे होती हैं तो ज्यादा कॉन्स ज्यादा यार्न्स लग सकते हैं, जो मशीन के ऊपर होती हैं वहां पे नंबर ऑफ यार्न्स जो मशीन को हम दे सकते हैं वो कम होते हैं क्योंकि तो स्पेस कम होती है। ठीक है, और इन सारे यहाँ से धागा जो है वो डिफरेंट मैकेनिकल पार्ट्स में से होता हुआ हमारे पास जो निटिंग एज वाला सेक्शन है वहां तक आता है, और वो जो पार्ट्स होते हैं उनमें से मोस्टली गाइड्स होते हैं। ठीक है, जैसे टूरिस्ट गाइड्स होते हैं ना जो रास्ता बताते हैं और आपको ये बताते हैं कि आपने यहाँ जाना और यहाँ जाना है, ये अट्रैक्शन है, यहाँ पे चले जाएं, तो ये जो मशीन के ऊपर गाइड्स होते हैं ये भी मशीन को बताते हैं कि आपका यान का जो नेक्स्ट पाथ है उसने यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, और इंटेंगलमेंट ना हो उसकी कहीं पे, टेंशन कॉन्स्टेंट रहे। ठीक है, दो तीन चीजें होती हैं जो गाइड्स कंट्रोल करती हैं, एक यान इंटेंगलमेंट और एक टेंशन कॉन्स्टेंट। ठीक है, टेंशन वेरिएशन नहीं होती, हर धागा उतनी ही टेंशन के साथ मशीन के पास आ रहा होगा जितना दूसरा आ रहा होगा, पूरी के ऊपर हम सेम टेंशन को मेंटेन रखते हैं, अगर कहीं पे टेंशन ज्यादा होगी कहीं पे टेंशन कम होगी धागों की तो जो फैब्रिक बनेगा वो ठीक नहीं बनेगा। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर क्या चीज है, अच्छा आगे चलते हैं, इसके अलावा क्या चीज़ है? अच्छा, ये इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, आपको इतनी डिटेल में इसके पार्ट्स देखने की जरूरत नहीं है, मेजर आपको ये पता होना चाहिए कि इसके बस तीन पोर्शंस होते हैं, एक यार्न फीडिंग सिस्टम है जहाँ से धागा आना है, दूसरा निटिंग में का सेक्शन है जहाँ पे निटिंग होनी है, और तीसरा जहाँ पे फैब्रिक कलेक्ट कर लेना है हमने। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये यार्न यहाँ से आएगा, यहाँ पे निट होगा और यहाँ पे ये फैब्रिक बन गया तो यहाँ पे ये कलेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, ये आपको बता दिया है तीन उसके एलिमेंट्स होते हैं। यार्न सप्लाई सिस्टम में हमारे पास क्या चीजें आती हैं, क्रील आती है, क्रील हम उस स्ट्रक्चर को कह रहे हैं इस वाले को, ये जो ऊपर लगा हुआ है ये जहाँ पे कॉन लगाते हैं, आप लोगों ने स्विंग मशीन देखी है सारों ने? यस सर, यस सर जी, वो स्विंग मशीन की में एक जगह होती है जहाँ पे आप रील या नलकी को लगा देते हो। ठीक है, दैट पार्ट इज कॉल्ड क्रील। उस स्विंग मशीन के ऊपर वो एक छोटा सा राड होता है और उसके ऊपर एक ही नलकी लग सकती है। ये जो मशीन्स होती हैं हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल इस तरह के राड होते हैं और उनके ऊपर मल्टीपल कॉन्स लग सकती हैं और वहां से सारे धागे फीड
फिर जाके मशीन के जैसे उसमें नीडल के पास जाते हैं, तो इसमें भी मशीन के नीडल के पास जाते हैं। अच्छा फिर वहां पे देखा है स्विंग मशीन में वो धागा जाता है, तो फिर वो कुछ स्प्रिंग में से गुजरता है, कुछ वो हुक होती है अप एंड डाउन वाली उसमें से गुजरता है और फिर जाके वो नीडल तक पहुंचता है। यस सर। कभी सोचा है कि वो डिफरेंट पार्ट से भी कुछ गुजरता है, वो सीधा डायरेक्ट में ही नीडल में से पास कर लेते हैं सर? वो थ्रेड को टेंशन देने के लिए, मेंटेन करने के लिए, टेंशन को मेंटेन करने के लिए। टेंशन जो है उसको कांस्टेंट रखना है, अगर धागे की टेंशन कांस्टेंट नहीं होगी तो वो जो आप स्टिचिंग कर रहे हैं वो ठीक नहीं होगी। सो यहाँ पे भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो जो स्प्रिंग है एक्चुअली उसे टेंशनर कहते हैं, जितना उसे टाइट करते जाते हैं आप अक्सर फिर मार खाते हैं हमेशा कि इसकी सेटिंग खराब कर दी है, क्योंकि आप अक्सर बैठे बैठे उसको घुमा देते हैं। ठीक है, सो वो टेंशनर है, जितना घुमा देंगे तो उतनी टेंशन ज्यादा हो जाएगी, टेंशन ज्यादा होगी तो धागा टूट जाएगा, वो नीचे नहीं आएगा, और टेंशन लूज हो जाएगी तो तब भी वो स्ट्रिंग जो है वो नहीं करेगा। तो इन चीजों को वो इसी तरह के टेंशनर्स मशीन के ऊपर भी लगे होते हैं, वो जब आप लैब में आएंगे तो आप लोग देख लेंगे कि किस तरह के टेंशनर हैं, किस तरह के गाइड्स हैं। इसी तरह वो एक हुक होती है जिसके अंदर में से धागा पास करते हैं, फिर वो एक ओपन गाइड होता है जिसके दरमियान में से बस धागा उसके अंदर रख देते हैं। तो कुछ ओपन गाइड्स होते हैं, कुछ क्लोज गाइड्स होते हैं, वो जब आप लैब में आएंगे तो फिर देख लेंगे। आप खुद कर देती ये है कौन सा यार, जो क्लास वाले हैं वो बता देना इसका, उनको तो पता है ना रोल नंबर क्या है किस। अच्छा, क्रील के पास सेकंड चीज है पैकेज। पैकेज जो है बच्चे वो जो यान की कौन नजर आ रही है ना आपको ऊपर लगी हुई, डेट इज कॉल्ड पैकेज, इसे हम पैकेज कहते हैं। ये जो एक कौन नजर आ रही है ना आपको, डेट इज अ सिंगल पैकेज। ठीक है, तो यान को होल्ड करने के लिए एक सिस्टम और उसके ऊपर पैकेज लगा दिया, ये यान सप्लाई के अंदर दो चीजें होगी। फीडर, फीडर्स यहाँ पे लगे होते हैं, ये वाली अगर मैं इसको ज़ूम कर सकूं किसी तरीके से, ये वाला जो इसका पोर्शन है ना बच्चे, ये वाला पॉइंट, ये नीचे, दीज आर दी यान फीडर्स। ठीक है, ये धागा यहाँ से डिफरेंट गाइड से होता हुआ इस यान फीडर के पास आता है और फिर ये यान फीडर जो है वो इसको देता है। यान फीडर का नाम ही इसलिए है क्योंकि ये यान फीड करता है। ठीक है, यहीं से इसका नाम आया। अब मैंने एक बात आप लोगों को बताई थी कि जितनी नंबर ऑफ नीडल्स होती हैं उतनी नंबर ऑफ वेल्स बनती हैं, और जितने नंबर ऑफ यान फीडर्स होते हैं मशीन के ऊपर लगे हुए, इट मीन्स के उतने पीछे पैकेजेस लगे होंगे, उतनी पीछे कॉन्स लगी होंगी। हर कॉन अपना एक धागा, हर कॉन के ऊपर एक ही धागा होता है, वो अपना एक एंड जो है वो एक जाके यान फीडर को प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, सो जितने यान फीडर होंगे, एक दफा मशीन रोटेट करेगी ना जब 360 पे, तो उतनी नंबर ऑफ कोर्सेस फैब्रिक के अंदर डल जाएंगी। सो वो जो आप लोगों का कंसेप्ट था ना कि एक वक्त के अंदर एक ही कोर्स बनेंगी, तो वो गलत था। सर ये जरा दोबारा बताएंगे क्या है? बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ। जितने यान फीडर्स होते हैं ना, जैसे मशीन गेज फिक्स थी ना कि हमारे पास 15 या 20 नीडल्स पर इंच पे लग सकती हैं, उस मशीन गेज और मशीन का जो डाया है सिलेंडर का, उसके अकॉर्डिंगली अगर मशीन का डाया मेरे पास डायामीटर 30 इंचेस है, तो उन 30 इंचेस के अकॉर्डिंगली ऊपर यान फीडर होंगे। 30 इंच की मशीन के साथ नॉर्मली 96 यान फीडर्स प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में ये कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, फिक्स नहीं है, लेकिन हमारे पास लैब में एक मशीन है जिसका 30 इंच डाया है, तो उसके ऊपर 96 फीडर्स लगे हुए हैं। ठीक है, सो इट मींस के 96 फीडर्स के पीछे 96 कॉन्स लगाएंगे, 96 कॉन्स लगाएंगे, वो 96 कॉन्स, हर कॉन एक यान फीडर को धागा प्रोवाइड करेगी, और वो यान फीडर्स आगे नीडल्स को धागा दे रहे होंगे। अब नीडल्स जो है वो रोटेट कर रही हैं सर्कल के अंदर, सो हर नीडल एक फीडर से एक धागा लेगी, एक कोर्स बना देगी। ठीक है, और फिर जब वो हर फीडर जो है वो नीडल्स को धागा प्रोवाइड कर रहा है, तो जब वो एक सर्कल कंप्लीट करेगी ना मशीन अपना पूरा 360 डिग्री पे, तो उसके बाद 96 कोर्सेस जो है वो फैब्रिक के अंदर डल चुकी होंगी।
वेल्स कितनी होंगी? उतनी वेल्स होंगी जितनी नंबर ऑफ नीडल्स होंगी. कोर्सेज कितनी होंगी? एक रोटेशन के बाद जितने नंबर ऑफ आपके पास फीडर्स होंगे. जी एक्सक्यूज मी सर, सर ये मैंने पूछना था कि जितने फीडर्स होंगे उतनी ही नीडल्स होंगी. नहीं नहीं, नीडल्स बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है. नीडल्स लगी हुई हैं सिलेंडर के सिरकमफेरेंस पे. जो यार्न फीडर्स हैं वो आपके पास यहाँ ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है. ये देखो ये सिलेंडर है, नीचे ये वाला सिलेंडर है, यहाँ पे नीडल्स लगी हुई है. जो यार्न फीडर्स हैं ये इसके ऊपर एक बड़ा सर्कल बना हुआ है, तो यार्न फीडर्स यहाँ पे है. लेकिन हर फीडर जो धागा अपना है, ये देखो ये जैसे एक ये नजर आ रहा है, ये सारे के सारे अपना धागा यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं नीडल्स को, ठीक है. अब हर यार्न फीडर अपनी इस यार्न फीडर ने यहीं पे धागा प्रोवाइड करते रहना है. ये नीडल यहाँ से धागा लेती है और आगे रोटेट हो जाती, फिर इसकी जगह जो पीछे नीडल आ रही होगी वो यहाँ से इस यार्न फीडर से धागा ले लेगी. समझ लगी आपको बात की कि नहीं? यस सर लगी. नहीं लगी तो बता दें, रिपीट कर देता हूँ. सर ये जो एक वेफ्ट वाइज होता है उसको कोर्स कहते हैं? जी उसको कोर्स कहते हैं. यार्न फीडर्स की जगह जो है, जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है. घूम क्या रहा है? घूम रहा है नीचे से सिलेंडर, ठीक है. तो ऊपर से धागा आई जा रहा है. जब नीडल उस जगह पे आती है जहां पे धागा प्रोवाइड हो रहा है और नीचे से कैम भी उसे कह रही है कि आपने ऊपर जाके यार्न फीडिंग करनी है, तो वो ऊपर जाती है और वहां से धागा खींच के नीचे ला के लूप बना देती है. नीडल्स ज्यादा हो सकती हैं लेकिन कोर्सेज उतनी ही बनेंगी जितने ऊपर से यार्न आ रहे हैं. समझ लगी? वो नीडल्स घूम के उस जगह पे जाती है ना जब, तो वो उसने वहां पे एक कोर्स डाल दी. हर जो धागा पीछे एक लगा होगा, एक यार्न फीडर है, एक कोन है. अगर 96 कोन्स लगी हुई तो 96 कोर्सेज एक रोटेशन के अंदर उसके अंदर आ जाएंगे. फिर अगली रोटेशन लेगी तो 96 कोर्सेज और आ जाएंगे. अगली रोटेशन लेगी तो 96 कोर्सेज और आ जाएंगे. एक्सक्यूज मी सर, सर अगर 96 फीडर्स हो, मतलब धागे हो, तो 96 कोर्सेज बनेंगी. तो अगर जो है वो नीडल्स ज्यादा या कम हो तो वेव्स मतलब उस हिसाब से होंगी. लाइक अगर 80 जितनी नीडल्स हैं तो नीडल्स आपने लगाई होंगी, जितनी नीडल्स लगाई होंगी उतनी वेव्स फैब्रिक में होंगी. अगर आपकी मशीन गेज है 12 तो फैब्रिक के 1 इंच के अंदर 12 वेव्स होंगी, ठीक है. ओके सर. सर मतलब मैं वैसे ही कह रही कि अगर 80 नीडल्स हैं या चले 120 हैं तो उतनी वेल्स होंगी, और 96 अगर फीडर्स हैं तो उतने कोर्सेज मशीन के एक सर्कल में. पर मशीन एक दवा तो नहीं घुमाएंगे ना, मशीन को तो स्टार्ट करेंगे तो वो जितना फैब्रिक जितने मीटर्स चाहिए होगा उतने मीटर्स ले. अब देखो यहाँ पे एक चीज है, 90 अगर 6 कोर्सेज का मतलब हम ये कैलकुलेट नहीं कर रहे कि वो कितने इंचेस फैब्रिक बनाएगा. अगर तो वो कोर्सर यार्न होगा तो वो स्पेस ज्यादा लेगा, फाइनर यार्न होगा तो वो स्पेस कम लेगा, ठीक है. अगर हम जस्ट अज्यूम कर लेते हैं कि वो कोर्सर यार्न है तो हम कहते हैं वो 96 कोर्सेज डलती हैं तो 2 इंच फैब्रिक बन जाता है, ठीक है. तो अब मैं जितनी दफा उसे घुमाऊंगा उतनी दफा 2-2 इंच फैब्रिक बनता जाएगा, ठीक है. ओके. हमने यही कहा था कि इसके अंदर जो यार्न है वो हॉरिजॉन्टली रन करता है लेकिन फैब्रिक जो है वो वर्टिकली बनता है. जो कोर्स है वो हॉरिजॉन्टली डल रही है लेकिन फैब्रिक इन द डायरेक्शन ऑफ वर्टिकली फैब्रिक बनता जा रहा है. वो 2-2 इंच ऐड होते जा रहे हैं, 2-2 इंच उसके अंदर ऐड. हर एक कोर्स लग रही है हॉरिजॉन्टली लेकिन वो फैब्रिक को कुछ ना कुछ जगह ले रही है. जब 96 डलती है तो वो 2 इंच बना देती है. ये जस्ट वैसे ही एक फिगर ले रही है, 2 इंच बना देती है, 3 इंच बना देती है. तो जितनी दफा घुमाएंगे उतनी दफा उतने इंच ऐड होते जाएंगे फैब्रिक में. मैंने क्या बताया? हम लोग मशीन गॉज कैलकुलेट करते हैं, गेज, मशीन गेज जी वो कैलकुलेट करते हैं, ये वो बताया आपने. नहीं नहीं, मशीन गेज बचे हैं दो चीजें हैं ना. देखो एक नीडल्स है, नंबर ऑफ नीडल्स. नंबर ऑफ नीडल्स से हम ये कह रहे हैं कि जितनी नंबर ऑफ नीडल्स ही उतनी नंबर ऑफ वेल्स हैं पर इंच के अंदर. जितने नंबर ऑफ फीडर्स हैं उतने नंबर ऑफ कोर्सेज हैं हमारे पास मशीन की एक रोटेशन के अंदर. दो डिफरेंट चीजें हैं. जैसे वीविंग के अंदर वार्प और वेफ्ट यार्न था, इसके अंदर वेल्स और कोर्सेज हैं. वेल्स का लिंक है नीडल्स के साथ, कोर्सेज का लिंक है यार्न फीडर्स के साथ. सर जैसे हम वीविंग में एक विड्थ का हम एक कपड़ा बनाना शुरू करते हैं, मतलब एक विड्थ में वार्प्स डाल देते हैं और फिर हम उसको जो है ना लेंथवाइज बनाते हैं. विड्थ में नहीं वार्प डालते,
विड्थ में पिक होती है, लेंथ में बाप होता है। यस यस, लेंथ में होती है। तो सर मतलब एक वो विड्थ चौड़ाई जो है ना वो हो जाती है सेट, फिर जो है वो लंबाई बनती है, लंबा बनता है। तो इसमें क्या है वेफ्ट में, मतलब क्या साइड से इसके अंदर? हाँ जी, इसके अंदर भी वो 30 इंच जो उसका डाया है ना, वो 30 इंच फिक्स ही रहता है, ठीक है। ये नीचे देखो तो ये फैब्रिक की विड्थ उतनी ही है, ये 15 हो जाएगी ना। यस, समझ लगे, 13 है ना, तो हाफ हो जाएगा। वो डबल लेयर फैब्रिक बन रहा है ना, सर्कल के बाहर बन रहा है, तो जब इकट्ठा हो जाएगा तो वो 15 हो जाएगा। जब उसको दरमियान में से काट लोगे और खोलोगे तो वो 30 इंच दोबारा वापस आ जाएगा। ये सर्कुलर फैब्रिक बन रहा है ट्यूब के अंदर। कोर्सेज जो है वो हॉरिजॉन्टली ही लग रही है, जैसे उसके अंदर पिक्स जो है वो हॉरिजॉन्टली ही लगती है, लेकिन फैब्रिक तो वर्टिकल डायरेक्शन में बनता है ना। यस सर, इसके अंदर भी जो कोर्स का धागा है वो हॉरिजॉन्टल ही जाना है, उसने इस तरीके से ही जाके लूप बनानी है, वो हॉरिजॉन्टल ही जाके लूप बनाता है। लेकिन जब इसके ऊपर एक और कोर्स आती है, फिर इसके ऊपर एक और कोर्स आती है, फैब्रिक किस डायरेक्शन में बन रहा है? फैब्रिक तो ऐसे बन रहा है लेंथ वाइज। यस सर, ये कह रहा हूँ कि वो जब अगर 96 फीडर है तो इस तरह की 96 कोर्सेज ऐड हो जाएंगी, ये कह रहा हूँ। लेकिन ये जो बेल्स बनेंगी ये नंबर ऑफ नीडल्स पर डिपेंड करेंगी कि ये कितनी बेल्स बन रही है। ओके सर, ठीक है। अगर हमारे पास मतलब एक ही फीडर है तो हमारे पास एक टर्न में एक ही बनेगी कोर्स? हाँ जी, अगर एक फीडर है तो एक ही कोर्स बनेगी, लेकिन एक होता नहीं। सर एक फीडर सारी नीडल पाएगा तो एक हमारी कोर्स बन जाएगी और उसमें मैं आपको बताता हूँ बच्चे, फीडर कहीं नहीं जाता, फीडर फिक्स है, फीडर स्टेशनरी है ऊपर, जाना किसने है? नीडल ने। नीडल घूम के जाती है उस फीडर के पास, ठीक है। नीचे जो सर्कुलर बेड लगा हुआ है ना, ये वाला जो पोर्शन सारा लगा हुआ है ये यहाँ पे, ये घूम रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है, ये फिक्स खड़ा है। इसका धागा यहाँ पे आई जा रहा है, इसका धागा यहाँ पे ऐसे आता रहता है यहाँ पे। जब नीडल इसकी जगह पे पहुंचती है ना यहाँ पे, तो वो यहाँ से अपनी हुक के अंदर इसके धागे को एंगेज करती है, लूप बनाती है और आगे चली जाती है। पीछे से जब दूसरी नीडल आएगी वो फिर इसकी जगह पे आएगी, तो वो फिर इसके धागे की लूप बना देगी। सर हर नीडल डिफरेंट फीडर से धागा ले रही है? हर नीडल डिफरेंट फीडर से धागा, और इस तरह भी हो सकता है। देखो मेरी बात सुनो, जो नीडल्स है ना वो इस तरह होती हैं कि जरूरी नहीं है कि वो नीडल जो टॉप पोजीशन पे जा रही है अपनी क्लियरिंग पोजीशन पे, तो दूसरी नीडल भी क्लियरिंग पोजीशन पे होगी। अगर आप इसको यहाँ पे देखें, एक सेकंड, वो देखिए आप लोगों ने वीडियो, एक सेकंड रुक जाए, शायद यहाँ से कुछ क्लियर हो जाए। इसकी कोई एक्शन नहीं है बच्चे, ये एक्चुअली निटिंग जो है ना ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, मतलब सर मुझे तो ये समझ आई है कि हमारे पास समझे अगर 5 फीडर हैं और 5 ही नीडल हैं, अगर नीडल नंबर 1 ने फर्स्ट फीडर से पहले एक वेल बनाई है, उसके बाद जब घूम के नीडल 2 फर्स्ट फीड वाले फीडर की जगह पे आएगी तो वो फीडर 2 से वेल 2 बनाएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही है सर। लेकिन नंबर ऑफ नीडल तो सीधा बता दें। नहीं बच्चे, आपको ये भी पता होना चाहिए, इतना डीपली नहीं ना करें कि वो हम समझ ना पाए, क्योंकि हमने कौन सा पहले कोई पढ़ा हो इस तरह का। जी जी, मैं यही कर रहा हूँ, आप 2 मिनट सबर तो करें। ओके, एक क्लास ऑन। अच्छा, ये वीडियो देखें तो ये जो आपके पास यहाँ पे एलिमेंट लगा हुआ है ना, डेट इज द यार्न फीडर, ठीक है। ये यहाँ से धागा प्रोवाइड कर रहा है नीचे नीडल को, ये गाइड्स की बात कर रहा था, ये डिफरेंट तरह के गाइड्स हैं जो धागा को लेके जा रहे हैं। ये जो लाइट्स लगी हुई हैं, ये धागा टूट जाए तो ये बताती हैं कि धागा टूट गया, सेंसर्स हैं। अच्छा ये देखो, ये आ गया यार्न फीडर के ऊपर, और यहाँ से ये धागा नीचे प्रोवाइड कर रहा है इस सेक्शन के ऊपर। अब यहाँ पे ना ये यहीं पे रहता है, इस फीडर ने कहीं नहीं मूव करना, ये गोल नहीं घूम रहा, गोल घूम रहे वो नीचे वाली जगह, और यहाँ से इसका धागा इसी पोजीशन पे आते रहना। जब नीडल ने किसी यहाँ पे आना है और वो यहाँ पे आएगी और नीडल की वो पोजीशन होगी टॉप मोस्ट फीडिंग पोजीशन, तो वो यहाँ से धागा कलेक्ट कर लेगी। ये फैन घूम रहा है, ये जो फ्लप को रिमूव कर रहा है, ये जो घूमती हुई चीज नजर आ रही है आपको,
ये यहाँ पे देखिएगा, ये बता रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे धागा आ रहा है, तो ये इसमें से सारी नीडल्स एक ही पोजीशन के ऊपर नहीं है, ये कुछ टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, कुछ डाउन है। जो नीडल टॉप मोस्ट पोजीशन पे होगी वो यहाँ से धागा लेगी, फीड करेगी और उसकी कोर्स बना देगी। जो नीडल टॉप मोस्ट पोजीशन पे नहीं जाएगी वो इससे धागा नहीं लेगी। यहाँ से इट इज क्वाइट पॉसिबल जो राइट नेक्स्ट नीडल है वो भी इससे धागा ले ले, और एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो इससे धागा ना ले। जो यहाँ पे जैसे ये डाउन जा रही है तो ये इससे धागा नहीं लेंगी। अब समझ लगी कि नहीं? यस सर, ये स्लो मोशन में दिखा रहा है एक्चुअली कि नीडल नहीं आना है इस धागे के पास, वो इसके पास आएगी और कैम उसको कहेगी कि आपने टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाके फीडिंग करनी है, तो वो यहाँ से धागा लेके फीड कर लेगा। ये सर्कुलर फैब्रिक बन रहा है, ये 30 इंच डाया है तो ये ट्यूब में बन रहा है, तो ये 15 इंच रह जाएगा। जब इसे दोबारा काट के ओपन करते हैं तो ये डबल हो जाता है। अब लगी ये समझ? यस सर, लेकिन अब एक फीडर से एक नीडल ले रही है तो उसके जो पीछे आ रही है वो भी तो लेगी। नहीं, नीडल्स हमेशा ज्यादा होती हैं बच्चे, नीडल्स हमेशा ज्यादा होती हैं, ठीक है सर। मेरा यही सवाल था कि अगर नीडल्स ज्यादा हैं तो वो क्या करेंगी, लेकिन फीडर्स कम है और नीडल्स ज्यादा हैं तो कैसे वो लेंगी? कैम उसको बता रही है, कैम उसको बताती है कि आपने टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाना है कि नहीं जाना, ठीक है। अगर वो उसको टॉप मोस्ट पोजीशन पे लेके जा रही है तो वो उसे फीड कर लेती है, अगर वो उसको नहीं लेके जा रही तो वो नहीं फीड कर सकती। अल्टीमेट वो उस हाइट तक जाएगी तो उसकी हुक के अंदर धागा एंगेज होगा ना, अगर वो उस हाइट तक जा ही नहीं रही तो धागा एंगेज ही नहीं होगा। नीचे तो अगर वो अगर कैम मतलब मिस या नीट की लगी होगी, मतलब मिस या टक की लगी होगी जी उस जगह पे, तो सर फिर वहां पे वो वाला स्टिच आ जाएगा। जी बिल्कुल, ओके। ऊपर से धागा फीड होते रहना है, नीचे जो अब उस धागा नीडल ने लेना है या नहीं लेना ये कैम बताती है उसको कि आपने इतनी हाइट तक जाना है कि वो जो धागा आ रहा है उसको अपनी हुक के अंदर एंगेज करना है कि नहीं करना। ओके सर, अगर सारी नीडल्स पीक पॉइंट तक जाएंगी तो सारी नीडल्स धागा लेंगी? जी, अगर सारी पीक पॉइंट तक जाएंगी तो सारी धागा लेंगी। और सर हमारे पास जितने सारी नीडल्स भी पीक पॉइंट पर तक जाएंगे तो वो उतने ही धागे ले सकते हैं ना जितने धागे प्रोवाइड हो रहे हैं, और हर धागा एक कोर्स बनाता है, तो कितनी कोर्सेज बनेंगी जितने धागे प्रोवाइड हो रहे हैं, ऐसे ही है कि नहीं? तो 96 धागे पर हम कह रहे हैं 96 फीडर लगे हुए हैं तो 96 ही कोर्सेज बन सकती है ना, क्योंकि धागे ही उतने, हर धागा एक कोर्स बनाता है। और सर हमारे पास जितने नंबर ऑफ फीडर ज्यादा होंगे उतना ही हमारे पास फैब्रिक पर इंच ज्यादा बनेगा? नहीं बच्चे, वो पर इंच का जो हिसाब है ना वो स्टिच लेंथ, लूप लेंथ, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, धागे के अगर हम ये वाली चीजें कांस्टेंट रख लें और हम ये देखें कि अगर हमारे पास एक फीडर है तो वो एक रोटेशन में अगर 2 इंच धागा बना रहा है, 2 इंच फैब्रिक बना रहा है, तो अगर हमारे पास ज्यादा फीडर होंगे तो वो पर रोटेशन ज्यादा इंच धागा फैब्रिक बनाएंगे ना? जी 100% ऐसा ही होगा, बट नंबर ऑफ यार्न फीडर्स डिपेंड करते होते हैं, हमेशा इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है डायमीटर ऑफ द नीडल बेड। नीडल बेड छोटा है तो यार्न फीडर्स भी कम हो जाते हैं, नीडल बेड बड़ा होगा तो यार्न फीडर्स भी ज्यादा हो जाते हैं। ये नहीं हो सकता कि 30 इंच की मशीन के ऊपर आप 200 फीडर्स लगा दें, वो ऊपर लगने भी तो है ना, कोई जगह भी तो होनी चाहिए ना, और फिर उसने धागा भी प्रोवाइड करना है किसी ना किसी पॉइंट पर। तो इन यार्न फीडर्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है मशीन के डायमीटर के साथ, छोटी मशीन के ऊपर यार्न फीडर्स कम होते हैं, बड़ी मशीन के ऊपर यार्न फीडर्स ज्यादा होते हैं। सर, इस सिलेंडर ने एक ही डायरेक्शन में मूव करना है ना, मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज करे तो एंटी क्लॉकवाइज, वो उल्टी डायरेक्शन में मूव करेगा तो जो निट किया होगा उसको वापस अननिट कर देगा। और सर जो एक कैम है उसमें मल्टीपल नीडल जा सकती है ना कैम ट्रैक में? बच्चे वो तो नीचे रोड बनी हुई है ना, वो एक कैम अकेली नहीं होती, वो दूसरी कैम्स के साथ अटैच हो जाती है और वो नीचे रोड बन गई है एक तरह की। अब उस रोड के ऊपर नीडल्स लाइक अ व्हीकल्स हैं, हर गाड़ी ने उसमें से गुजरना है, उस पाथ में से गुजरना है, तो हर नीडल ने उस पाथ में से गुजरना है। सर ये कह रहे कि एक जो कैम ट्रैक है, एक कैम ट्रैक में से मल्टीपल नीडल्स गुजर सकती है क्योंकि वो बहुत क्लोज है? बच्चे मल्टीपल नीडल्स ही गुजरती है एक कैम ट्रैक में से, मल्टीपल नीडल्स ही गुजरती है। जी सर, ठीक है। और कुछ? सर आपने मुझे बताया ही नहीं है वो मतलब डबल कैसे हो जाता है फैब्रिक? बच्चे सिलेंडर के बाहर वाली साइड पे बन रहा है,
सिरकमफेरेंस के ऊपर हमारे पास लगी हुई है नीडल्स, तो नीडल्स बाहर वाली साइड पर बना रही हैं, तो वो ट्यूब के अंदर ही बनाएंगी ना फैब्रिक। ओके सर आगे समझ। ये देखो यहाँ पे अगर ये यहाँ पे बन रहा है ना फैब्रिक, तो ये इस तरह बाहर को बन रहा है, तो वो फिर हर नीडल जो है उसके सिलेंडर के बाहर से फैब्रिक कलेक्ट कर रहे हैं। सर सर्कुलर मशीन है ना इसलिए। जी बिल्कुल, ये सर्कुलर मशीन है इसलिए फैब्रिक भी सर्कुलर बनाती है। ये उसने यहाँ पे मजीद स्लो करके दिखा दिया हुआ, अगर यहाँ पे देखो तो ये नीडल ये एंगेज करके नीचे लेके आ रही है। अब नीचे क्योंकि सारी नेट की कैम्स लगी होंगी तो हर नीडल के पास धागा है, तो अगर वो नेट की कैम्स नहीं होंगी तो वो हर नीडल के पास धागा नहीं जाएगा। ये देखो। और सर फिटिंग है ये हमेशा इसी तरह ट्यूब में फैब्रिक पर आती है या वैसे ही बनाती है? अगर सर्कुलर मशीन है तो हमेशा ट्यूब में बनाएगी, अगर फ्लैट है तो फिर ट्यूब में नहीं बनाएगी, फिर फ्लैट बनाएगी, फिर वो सिंगल लेयर वो जो होता है वो बनाएगी। सर फिर उसकी विड्थ भी कम होगी? वो मशीन पर डिपेंड करेगा कि उसकी मशीन के बेड की विड्थ कितनी है, जितनी विड्थ होगी उतनी वो बना देगी। ठीक है। अच्छा इसके अलावा ये फीडर, स्टॉप मोशन और टेंशनर। फीडर आपको बता दिया, स्टॉप मोशन जब धागा टूटेगा तो वो उसको धागे को रोक लेता है, और टेंशनर टेंशन को मेंटेन करता है। नेटिंग एलिमेंट्स हमने डिटेल में पढ़ ली है, नीडल कैम एंड सिंकर। फैब्रिक टेकडाउन मैकेनिज्म रह जाता है कि फैब्रिक को जब बन जाता है फैब्रिक, अब वो धागों से फैब्रिक की फॉर्म में आ गया है, तो नीचे उसको कलेक्ट कैसे करना है, तो उसके अंदर एक फैब्रिक स्प्रेडर होता है, क्योंकि वो ट्यूब के अंदर बन रहा होता है तो उसके अंदर सिलवट ना आए, रिंकल ना आए, वो कट्ठा ना हो फैब्रिक, तो एक फैब्रिक स्प्रेडर उसके अंदर डाल देते हैं। वो स्प्रेडर क्या होता है, गत्ते का कार्ड होता है, वो फैब्रिक को ऐसे स्ट्रेच करके रखता है ताकि वो नीचे जब रोलर के ऊपर टेकअप हो उसका, तो वो जो है वो इकट्ठा ना हो या सिलवटे ना आए उसके अंदर। ठीक है। इसी तरह एक विड्रॉल रोलर होता है जो उसको उस रोलर के ऊपर बाइंड करने ये छोड़ दें बस, विड्रॉल रोलर। नीचे ड्राइव होती है, वो मोटर लगी होती है एक जो नीडल बेड को भी रोटेट कर रही है, और जितने भी मशीन के एलिमेंट है जिनको रोटेट करना जरूरी है, वो एक ही मोटर होती है जो सारों को रोटेट करती है। ठीक है। मोटर को पावर बिजली से मिलती है और मशीनें बिजली पे चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे, ये आपको पता है। ठीक है। क्रील जो होती है ये ओवरहेड भी हो सकती है और साइड क्रील भी हो सकती है, ये मैंने यहाँ लिख भी दिया है, नंबर ऑफ फीडर्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्स इन दी क्रील, जितनी कॉन्स लगी होंगी उतने ही फीडर्स होते हैं। और यान गाइडिंग सिस्टम्स जो होते हैं ये ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, इनका फंक्शन होता है कि फाइबर फ्लाई और यान एंटेंगलमेंट्स को रोकना, अगर क्लोज होगा तो जो फ्लफ और लेंट होता है उसको ये रोकता है, और यान एंटेंगलमेंट को रोकना यान गाइड का सिस्टम है। फीडर्स जो होते हैं ये यान गाइड्स होते हैं ताकि वो हुक के अंदर नीडल को उसको धागा प्रोवाइड करें, आपको बता दिया। फैब्रिक स्प्रेडर जो होता है ये आपको बता दिया कि उसको फैब्रिक को स्प्रेड करके रखता है ताकि उसके अंदर क्रीज जो है रिंकल हैं वो वगैरह ना आए। ठीक है। टेक डाउन के अंदर हमारे पास वो रोलर लगे होते हैं जो फैब्रिक के ऊपर, रोलर के ऊपर फैब्रिक को जो है वो रोटेट कर लेते हैं, वाइंड कर लेते हैं। सर अच्छा, एक चीज पूछें। सर ये जब हम हैंड से नीडल वाली निटिंग करते हैं, हमारा जब फैब्रिक कंप्लीट हो जाता है तो हम लास्ट में एक एक लूप को बंद करते चले जाते हैं जब नीडल के ऊपर से उतर जाता है, तो इस मशीन में किस तरह वो लूप्स एक एक करके बंद होती है? इस मशीन के ऊपर हम फैब्रिक को काट लेते हैं नीचे से, कभी भी ऐसा नहीं होता कि मशीन को जो है वो ऊपर से उसको नीचे से जो फैब्रिक है ना उसको कट कर लेते हैं बस, और वो अनरेवल नहीं होता जब तक उसको खींचेंगे नहीं। ठीक है। सही, यानी कि वो भी दोबारा खुलती नहीं है उसकी लूप्स। अगर वो सिंगल जर्सी होगा तो वो खुल सकता है, लेकिन वो टेप लगा के उसको रख लेते हैं और फिर वो उसको नेक्स्ट प्रोसेस में भेज देते हैं। सही। जिससे रख सिंगल जर्सी के अंदर होता है अनरेवलिंग, जो हमारे पास बाकी के हैं उनके अंदर ये मुश्किल से होता है, तो इतना ऐसा इशू नहीं होता इसका अनरेवलिंग का। ठीक है। अच्छा आगे है ये सर्कुलर की जो निटिंग मशीन्स हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू सिलेंडर के डाया के हिसाब से। ठीक है। सिलेंडर एंड डायल ये आपने पढ़ लिया, सिंगल सिलेंडर होते हैं जिसमें प्लेन या सिंगल जर्सी फैब्रिक्स बनते हैं, फिर सिलेंडर या डायल की कॉन्फ़िगरेशन होती है तो उसमें रिब और इंटरलॉक बनता है, और डबल सिलेंडर में पर्ल फैब्रिक बन जाता है। डाया ऑफ सिलेंडर हम लार्ज मशीन्स होती हैं 24 इंच से लेके 40 इंच डाया तक,
मीडियम हम कहते हैं 8 इंच से 22 इंचेस तक, और स्मॉल कहते हैं 3 से 6 इंचेस तक, और ये स्मॉल वाले के ऊपर आपकी सॉक्स वगैरह बनती हैं, लार्ज वाले के ऊपर जो बनते हैं ये बल्क के अंदर फैब्रिक चाहिए होता है, तो ये इसे आपकी जितने भी होम टेक्सटाइल और दूसरी इस तरह की चीज़ें हैं वो बन जाती हैं। मीडियम में आपके जितने भी गारमेंट्स वगैरह हैं वो मीडियम की मशीनों के ऊपर बनते हैं। अच्छा, फिर विद रिस्पेक्ट टू फैब्रिक लेंथ, तो फैब्रिक मशीन्स कंटिन्यूस लेंथ और कांस्टेंट विड्थ, ये आपकी सर्कुलर मशीन होती हैं जिसके ऊपर कंटिन्यूस लेंथ बनती है और कांस्टेंट विड्थ रहती है। अगर वो 30 इंच डाया किया तो वो 15 इंच का फैब्रिक सिंपल बना रहा होगा, और सिंगल लेंथ में, डबल में वो 30 इंच हो जाएगा, तो वो कॉन्स्टेंट ही रहती है। लेकिन जो आपकी फ्लैट की मशीन होती हैं उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जो वेब्ड की फ्लैट की मशीन हैं वो रेडीमेड गारमेंट बना के हमें दे सकती हैं। उसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपका स्वेटर नीचे से विड्थ कम होती है, चेस्ट पे आके विड्थ ज़्यादा हो जाती है, और फिर बाजू और वो सारी चीज़ें, तो वो रेडीमेड गारमेंट बना के ही बाहर निकालती है मशीन फ्लैट की। उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि उसको जहाँ पे बता दें कि यहाँ पे लूप्स ज़्यादा करनी है, वेल्स ज़्यादा करनी है, वो वेल्स ज़्यादा कर देता है, जहाँ पे उसे कहें वेल्स कम करनी है वो वेल्स कम कर देता है, वो बाजू बना देता है। ठीक है, तो जो फ्लैट की मशीन्स हैं दे आर मोर इंटेलिजेंट देन सर्कुलर मशीन्स, वो रेडीमेड गारमेंट्स बना के आपको दे सकते हैं। जी सर, जहाँ पे हमने वेल्स कम करनी होती है हम एक एक नीडल छोड़ते जाते हैं, जहाँ पे हमने क्या करनी, विड्थ कम करनी होती नहीं बच्चे, वो जो फ्लैट की मशीन्स है ना उनकी टोटल जो फंक्शनिंग है वो डिफरेंट है सर्कुलर की मशीन के हिसाब से। सर्कुलर की मशीन टोटली वो एक ही विड्थ के अंदर बनाती है, फ्लैट की मशीन्स इंटेलिजेंट मशीन हैं, जैसे आपकी जेकार्ड की मशीन होती है वीविंग की, वो जहाँ पे हम वहाँ पे सिंगल नीडल का कंट्रोल होता है हमारे पास। इसके अंदर तो हम कैम ट्रैक बना देते हैं ना, तो हर नीडल ने उस कैम ट्रैक में से गुजरना है, तो वैसा ही बिहेव करना है, उसके अंदर ऐसा नहीं होता। फ्लैट की मशीन के अंदर हम हर नीडल को इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी मर्जी होती है, हम उसे जब कहें कि अब जाके आपने निट करवाना है, और जब हम उसे कहें कि अब निट नहीं करवाना, आप बैठे रहो। सो वहाँ पे इंडिविजुअल नीडल को हम जब चाहें हम मूव करवा सकते हैं, उसके अंदर वो डिफरेंट मैकेनिज्म है। ठीक है, जैसे जैकार्ड के अंदर देखा है ना कि हम हर धागे को बता सकते हैं कि कब ऊपर जाना है, कब आपने वीप करना है और कब नहीं करना, तो इसी तरह जो फ्लैट की मशीन है उसके अंदर भी हर नीडल को बता सकते हैं कि आपने कब जाके निट करना है और कब नहीं करना, तो इस तरीके से हम उसको कंट्रोल करें। अभी ये तो मतलब सर्कुलर है, इसमें हमें कुछ सैलवेज वगैरह कुछ नहीं है, पूरा गोल गोल बन रहा है, तो जब फ्लैट होगी तो उसमें साइड से क्या होगा, वो तो साइड से फ्रे नहीं हो जाएगा सारा फैब्रिक? नहीं, वो साइड के अंदर हम वो सैलवेज देते हैं फिर उसको, वो जहाँ पे स्टिच लगाना होता है, सीम लगानी होती है ना फ्रंट पैनल और बैक पैनल की, तो उसकी सैलवेज के लिए कोई अलग स्टिच होता है? जी बिल्कुल, वो उसको जैकार्ड की मशीन कहते हैं। आप लोग बनाएंगे ये जैकार्ड खुद, ये कार्ड की मशीन पे काम करेंगे, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, अच्छा, मशीन गेज नॉर्मली ये रेंज करती है फ्रॉम 50 नीडल्स पर इंच से 40 नीडल्स पर इंच तक। मशीन का डाया आपको बता दिया कि ये 30 इंचेस नॉर्मली होता है, जो नॉर्मल मशीन होती हैं वो 30 इंच डाया की होती हैं, और अप टू मैक्सिमम 60 इंच डायामीटर तक की चलती हैं। नीडल टाइप जो है वो लैच, बियर्ड और कंपाउंड नीडल होती है, और लैच सबसे ज़्यादा कॉमन है। नीडल बेड टाइप आपको बता दी है, वो सिंगल और डबल जर्सीज होते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स हैं कि इनसे क्या बनता है, रोल्स ऑफ फैब्रिक जो सर्कुलर मशीन है वहाँ से क्या बनता है, गारमेंट लेंथ की मशीन जो है वहाँ से क्या बनता है, ये जो होज मशीन हैं और हाफ होज मशीन हैं ये आपकी स्टॉकिंग्स और इस तरह की चीज़ें, और फिर वो जो टाइट्स हैं और जो आपके, आप लोगों ने वो देखा है वो वॉशरूम के अंदर जो लगे होते हैं, या किचन के अंदर जो सिंक के ऊपर पाइप लगा होता है उसके अंदर ब्रेडिंग टाइप कुछ हुआ होता है, वो नजर आ रहा था, वाइट कलर के पाइप्स होते हैं, तो वो भी निटेड होते हैं, तो वो उस तरह के पाइप्स भी जो है वो इसी मशीन्स के ऊपर बनते हैं। ठीक है, या जिस तरह आपने केबल की वायर देखी है उसके अंदर मैश बना होता है, ये सो गए हो कि नहीं सर, जरा आसपास की एग्जांपल्स देना यार। केबल की तो वायर आपने अक्सर शू नहीं लगाया टीवी के पीछे या एलईडी के पीछे लगाए? नो सर, वो उसको कभी खोल के नहीं देखा, ऊपर से ब्लैक वाली उसकी कोटिंग नहीं उतारी, वो नीचे उसके मैश बना होता है ना सर, इतने काम नहीं किए। सही,
सर वो चीजें काफी छोटी छोटी नहीं होती क्या? क्या छोटी छोटी होती है बच्चे? सर वो वायर इतनी छोटी होती है, मशीन का डाया इतना छोटा कर लेते हैं ना, जो जिस तरह वायर से एक दूसरे पे ओवरलैप हुई होती हैं, फोल्ड हुई होती हैं, वो कह रहे हैं एक नहीं वो सर वो जो सिल्वर वायर्स का, सर वो जो सिल्वर कलर की होती हैं जी बिल्कुल, वो सिल्वर कलर जो छीले हैं व्हाइट वाली के बाद वो निकलती हैं अजीब सी तारे जी बिल्कुल बिल्कुल वो वाली, वो उसके अंदर एक मेश किस्म का बना होता है वो सर वो मेश होता है वो उस तरह की जो चीजें हैं उनके लिए ये होज मशीन्स जो हैं ये यूज होती हैं। हमारी सर्कुलर की मशीन जो है वो एंड हो गई है और अब हमने जो है वो फ्लैट की मशीन थोड़ी सी देखनी है। ये छोटा सा ही लेक्चर है आज का, बच्चे जो कोर्स आउटलाइन उन्होंने दी है उसको तो फॉलो करना है ना, बड़े हो गए हो आप, बच्चों वाली बातें ना किया करो। सर फिर भी आपने ज्यादा पढ़ा दिए, कैसे ज्यादा पढ़ा दिया सर? हमारी दफा में ये कोर्स आउटलाइन ने कुछ स्पीड ज्यादा नहीं पकड़ ली? नहीं बच्चे सर ज्यादा ही पकड़ लिए बच्चे, ये आपके जो लास्ट वाले थे उनको भी सेम पढ़ाया था, उनसे पूछ लीजिएगा कि अगर मैंने इसमें कुछ एडिशन किया इससे कुछ कमी की होगी, एडिशन कुछ नहीं किया सर, आप कमी कर देते थोड़ी सी, की है बच्चे की है, बहुत सारी चीजें निकाल दी हैं, उनसे पूछ लीजिएगा जो आपके सीनियर्स हैं ना कि ये सेम है कि नहीं। नहीं सर आपको यकीन है? नहीं आपको नहीं लग रहा यकीन? नहीं सर है। अच्छा ये जो फ्लैट निटिंग की मशीन है ये इसके अंदर वो बाकी सारी चीजें सेम रहनी है सिवाय इसकी शक्ल के, ठीक है? ये इस तरह की होती है कुछ जिस तरह की आपको स्लाइड पे नजर आ रही है, निटिंग एलिमेंट सेम है, नीडल सेम है, वो जो आपके फैब्रिक के बनने हैं टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स वो भी सेम है, ठीक है? ये भी सिंगल बेड और डबल बेड होती है। इसके अंदर सिंगल बेड इस तरह होता है कि या तो आपके पास फ्रंट पे होगा या वी शेप में होता है, वी शेप एट 90 डिग्री के ऊपर ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, आगे चल के दिखाता हूँ, या फिर एट 180 डिग्री दो बेड इकट्ठे लगे होते हैं, ठीक है? एंड दे वर्क इन फंक्शन। इसकी भी मशीन की वो सारे पार्ट्स भी सेम है, ऊपर क्रील लगी होती है, यार्न फीडर्स होते हैं और उन्होंने निटिंग एलिमेंट्स को देना है, धागा प्रोवाइड करना है, उसने निट करना है, सेम प्रोसेस है। इसके अंदर भी कैम्स होती हैं और नीचे जाके उसने क्या करना है वो फैब्रिक इसके अंदर, बस ये होता है ये देखें इसके अंदर फैब्रिक टेक डाउन मैकेनिज्म नहीं है, वो ये इसके अंदर ये बनाता है गारमेंट लेंथ के, तो वो गारमेंट लेंथ बनती है और उसके बाद वो नया गारमेंट आ जाता है तो उसको कट कर लेते हैं, ठीक है? सही ये आसान है। इसके ये होता क्या है इसके अंदर, इसके अंदर बाकी सारी चीजें सेम है, इसका जो चीज डिफरेंट है वो सिर्फ ये है जो यहाँ पे बनी हुई है ये वाली चीज, अगर मैं इसको पेन को कंट्रोल कर लूं, ठीक है? अब ये देखो ये जो मशीन बनी हुई है ना ये इसका नीडल बेड है, ये यहाँ पे नीडल्स लगा देते हैं, ये जो आपको यहाँ पे स्लॉट्स नजर आ रही है, ठीक है? और ये वी कॉन्फ़िगरेशन में एग्जैक्टली इसकी बैक साइड पे भी एक ऐसा ही नीडल बेड है जिस तरह का आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, सो ये एक्चुअली इस तरह के दो नीडल बेड ऐसे लगे हुए हैं एक दूसरे के साथ एट 90 डिग्री, ठीक है? तो यहाँ से भी नीडल्स यहाँ पे आती हैं, यहाँ से भी नीडल्स यहाँ पे आती हैं, ये दोनों निट करके तो वापस अपने अपने बेड के पास चली जाती हैं, तो ये सेम प्रोसेस वैसा ही है जैसा उसके अंदर डायल और सिलेंडर एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते थे, इसके अंदर ये दोनों बेड्स करते हैं। ये सिंगल बेड भी यूज हो सकता है सिर्फ फ्रंट वाला, और ऐसा भी हो सकता है ये डबल बेड यूज हो, फ्रंट वाला भी यूज हो और रियर साइड वाला जो आपकी तरफ होता है जिस तरफ पे ऑपरेटर खड़ा होता है उसे कहते हैं फ्रंट बेड, जो उसकी दूसरी तरफ होता है उसको कहते हैं रियर बेड, ठीक है? सही, ये डायगोनल लगी होती है दोनों बच्चे एट 90 डिग्री एग्जैक्टली इस तरीके से, ये इस तरह का वी बना होता है, ठीक है? एक नीडल बेड आपकी तरफ है और एक आपसे ऑपोजिट दूसरी तरफ लगा होगा, और यहाँ पे नीडल इसकी नीडल यहाँ आ रही होगी, इसकी नीडल यहाँ आ रही होगी, और इनके दरमियान में यहाँ पे फैब्रिक बनता है। सर इसमें कैम्स भी लगे होते हैं कि नहीं लगे होते? वो भी बताने लगा, वही चीज डिफरेंट है। इसके अंदर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कैरिज, ये जो मैंने सर्कल बनाया दैट इज कॉल्ड कैरिज, इस कैरिज के अंदर हमने कैम्स लगाई होती है, ठीक है? अब वो कैम भी इस तरह की होती है कि वो एक ही कैम होती है लेकिन इसके ऊपर डिफरेंट लॉक्स लगे होते हैं, वो लॉक को जब एक दूसरे को, अगर मैं आपको
की शेप दिखा सको, ये कैरिज है, ये जो है ना, ये यहाँ से पकड़ के ना इसको हाथ के साथ आप रोटेट करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, पूरी विड्थ के ऊपर आपने इसको लेके जाना। सर काइंडली अटेंडेंस ले लें, यहाँ पे लाइट ऑफ हो जाएगी थोड़ी देर में। मैं ले लूंगा अटेंडेंस, आपने अटेंडेंस से नहीं परेशान होना, ठीक है। अच्छा सर आप बाद में परेशान कर देते हैं ना, फिर ऐसे ही हमारी अटेंडेंस मिस हो जाती है। बच्चे अभी तक मैंने इस तरह की कोई हरकत की नहीं है, ठीक है, तो जो मैंने ना किया होना तो उसका मुझे नहीं पता। ओवरऑल बात करिए, वो बाकी टीचर्स जो करते हैं आप वो बाकी टीचर्स को बताएं, ठीक है। अभी तक मैंने आपको अटेंडेंस के हवाले से कुछ नहीं कहा, और अगर आप लोग इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि अटेंडेंस कैसे रेगुलर होती है, ठीक है। डिक्टेट ना किया करें, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप बीच में अपनी एक नई डेट एंड की मस्जिद बना के वो खड़ी कर लीजिए। अच्छा यहाँ पे क्या करना है कि इसके अंदर कैम्स के अंदर ना, इस ये जो कैरिज की अंदर वाली साइड है, एक ही कैम लगी होती है लेकिन डिफरेंट लॉक्स हैं। सो ये लॉक्स क्या करते हैं, ये कैम ट्रैक है, ये इस कैम ट्रैक की पोजिशन चेंज कर देते हैं। ये वाला जो चीज है ना, लॉक लगाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये इसको क्लियरिंग हाइट तक ले जाता है। जब लॉक को डाउन कर देंगे तो ये नीचे आ जाता है, तो ये पाथ ऐसे क्लियर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। समझ लगी इस बात की कि नहीं, डिफरेंट तरह के लॉक्स लगे हुए हैं, जब आप उन लॉक्स को यूज करते हैं तो ये ऐसे नीचे आ जाता है, तो ये टक की कैम बन जाती है, और इसको मजीद नीचे ले आएंगे तो ये मिस की कैम बन जाती है। एक ही कैम है जो तीनों मतलब ये जो नीचे वाला एरो लगा हुआ है, इसने नीचे को मूव करना है ना, बाहर लगे हुए लीवर्स, कैरिज के बाहर लगे होते हैं लीवर्स, ठीक है। ये यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये कुछ चीजें लगी हुई हैं, इन लीवर्स के ऊपर लिखा होता है कि आपने निट की कैम बनानी है तो किन को ऊपर करना है, टक की कैम बनानी है तो क्या करना है, मिस की कैम बनानी है तो क्या करना है। इनको ऊपर कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, तो क्या होता है, वो अंदर से लीवर एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो वो एक नया पाथ बना लेते हैं। जी फ्रेम्स की तरह ऊपर नीचे होते हैं लाइक, नहीं फ्रेम की तरह नहीं बचे, हाँ जैसे वो बाहर लीवर लगा होता है ना जिसे आप अप एंड डाउन करते हैं, तो वो इस तरह का इसके ऊपर कुछ सिस्टम है, जैसे ही आप उसको चेंज करते हैं उसकी पोजीशन, तो अंदर जो है जो इनसाइड है जो आपको नजर नहीं आ रहा, तो वो चेंज हो जाता है, पाथ चेंज हो जाता है, स्टिचिंग वही है, नेट टक और मिस की स्टिच है, स्टिच की कैम भी बना देते हैं और उस बैक की भी। जी बिल्कुल इसी से बना देते हैं। एक को रोटेट करेंगे तो बैक वाला उसके साथ कनेक्टेड होता है, वो दोनों रोटेट होते हैं एक ही वक्त में। ओके सर, ठीक है। सो ये फ्लैट बेड की मशीन होती है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है, बाकी सारी चीजें सेम है। और ये एक चीज है, ये 90 डिग्री पे भी लगे हो सकते हैं और ये 180 डिग्री पे भी लगे हो सकते हैं। वो 180 डिग्री वाला नहीं, हमारे पास मशीन 90 वाली है और 90 वाले के ऊपर आपने काम भी करना है, ठीक है। और ये स्टैगर्ड अरेंजमेंट में होते हैं, इट मींस कि ये कौन सी मशीन होगी, रिब की क्या, ये इंटरलॉक की, इंटरलॉक की सर, इंटरलॉक की, इंटरलॉक में स्टैगर्ड अरेंजमेंट, स्टैगर्ड क्या होता है, नो सर रिब की, रिब की होगी सर, स्टैगर्ड का क्या मतलब होता है, सर इसमें डायनेमिक होता है तो ये सिंगल जर्सी की होगी। बच्चे स्टैगर्ड का क्या मतलब होगी, सर स्टैगर्ड का मतलब होता है जो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट ना हो, बच्चे ये बताया ये सिंगल जर्सी की भी हो सकती है, अगर सिर्फ फ्रंट बेड को यूज करोगे तो सिंगल जर्सी बना देगा, अगर दोनों बेड्स को यूज करोगे फ्रंट को और रेयर को तो फिर ये डबल जर्सी की हो जाएगी, ठीक है। और उसमें ये क्योंकि स्टैगर्ड अरेंजमेंट में होते हैं तो ये रिब की मशीन होती है, फ्लैट बेड के अंदर बस यही बात है, ठीक है। और सर 180 वाली इंटरलॉक होगी, वो पर्ल होती है बच्चे, वो फिर उसके अंदर डबल डबल नीडल यूज होती है, डबल लॉक नीडल जो एक बेड फ्रंट बेड में चली जाती है और बैक बेड में चली जाती है। सर स्टिच कब बता दें, मिस सर कौन क्या बताऊंगा,
सर वो उसकी समझ नहीं आई थी कि मिस किस तरह लगेगा, टक किस तरह लगेगा इसमें फ्लैट बेड में। बच्चे इसके बाहर लगे हुए लीवर्स, तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअली अंदर उसकी ट्रैक को चेंज कर रहे हैं। कभी आपने सर ये समझ आ गई है, मेरी बात सुनिए, कभी आपने ये देखा है कि ये जो गाड़ियां चलाते हैं तो गियर चेंज करते हैं, ये एक्चुअली गियर चेंज करने से क्या होता है, इसका थोड़ा बहुत आइडिया है? यस सर। क्या कर रहे होते हैं जब हम गियर चेंज कर रहे हैं? स्पीड उसके मेंटेन सर गियर सर मोस्टली स्पीड मेंटेन कर रहे होते हैं हम। स्पीड तो मेंटेन करते हैं लेकिन वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं वो, क्या वो एक शाफ्ट बदली है तो वो उससे कैसे स्पीड तेज हो जाती है? सर वो डिफरेंट टाइप की गरारियां सी होती हैं जो गियर चेंज करने पर चेंज होती रहती हैं। जब हम पहला गियर लगाते हैं तो वो कुछ थोड़ी बड़ी बड़ी सी होती हैं, जैसे हम लोग बढ़ते रहते हैं तो वो कम होती रहती हैं। जैसे जो फर्स्ट गियर होता है तो उसके अंदर पावर फिर उसकी वजह से ज्यादा होती है, वो स्ट्रांग होती है, और जो फाइनल गियर होता है उसमें वो स्ट्रांग इतनी नहीं होती लेकिन उनके अंदर स्पीड ज्यादा होती है। हाँ जी बिल्कुल, वो गियर्स के टीथ होते हैं, नंबर ऑफ टीथ, वो जो गरारियां होती है ना वो नंबर ऑफ टीथ होते हैं। एक जब गियर चेंज कर रहे होते हैं ना वो क्लच को प्रेस करके तो उसको न्यूट्रल करते हैं, तो वो दोनों जो टीथ एक दूसरे के अंदर इंगेज होते हैं वो दोनों को छोड़ देते हैं, और फिर क्या करते हैं कि जब उसको अगले गियर के अंदर लगा देते हैं तो वो दूसरे गियर के टीथ के अंदर उसको फिक्स कर देते हैं, और फिर क्लच को छोड़ते हैं तो वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और फिर रोटेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर भी वो एक्चुअली क्या होता है, वो पाथ चेंज हो जाता है उसका, कुछ वो नंबर ऑफ टीथ डिफरेंट होते हैं। ठीक, जो आपने बताया कि वो छोटे गियर के अंदर क्या होता है कि वो नंबर ऑफ टीथ ज्यादा होते हैं और जैसे जैसे कम होते जाते हैं, गियर बड़ा होता जाता है तो नंबर ऑफ टीथ कम होते जाते हैं, तो यहाँ पे भी यही होता है कि ये लीवर जो है ये लीवर पाथ चेंज कर रहे हैं आगे, वो एक चीज को नीचे लेके आ रहे हैं दूसरे को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसने पाथ ऐसे ही बनाना है। अगर वो नेट की होगी तो इस तरह की वी शेप बनेगी, अगर वो टक की होगी तो वो ऐसे करके बन जाएगी कुछ फ्लैट, और अगर वो मिस की होगी तो उसने एक स्ट्रेट लाइन बनानी है इन लीवर्स की मदद से। तो जिस तरह का हम पाथ बना देंगे तो जब वो नीडल उसके, अब कैरिज रोटेट करता है, नीडल स्टेशनरी रहती है, जब कैरिज उसके पास जाता है तो जो पाथ होता है नीडल उसके अकॉर्डिंगली बिहेव कर देती है। ठीक है, यस सर। सही, इसमें नीडल ने मूव ही नहीं करना, नीडल अप एंड डाउन मूव करती है, इसके अंदर रोटेट नहीं कर रही। जो पहले वाला था उसके अंदर यार्न फीडर्स कांस्टेंट थे, नीडल बेड रोटेट कर रहा था, इसके अंदर नीडल बेड स्टेशनरी है, ये नहीं कहीं मूव कर रहा, कैरी जो रोटेट कर रही है उसके ऊपर, नीडल अप एंड डाउन तो मूवमेंट होगी उसके अलावा कोई मूवमेंट नहीं है उसकी। ऐसे मतलब जिस नीडल के पास कैरी जाता जाएगा वो अप होती जाएगी। हां, जिसके पास जाता जाएगा वो अप होती जाएगी अकॉर्डिंग टू दी ये जो हमने बनाया है, और अगर वो नहीं होगा तो वो स्टेशनरी रहेगी, और जो बाकी होंगी तो वो एट रेस्ट होंगी। अच्छा, इसके बाद एक ही चीज रह गई है, वो ये कि ये कैरिज के अंदर भी ना यहाँ पे ए बी सी डी लगा होता है, तो ये यार्न फीडर्स होते हैं, ये बटन है एक्चुअली, और कुछ भी साइंस नहीं है, बटन प्रेस करना है तो जो वाला धागा दोगे वो उसको फीड हो जाएगा। इधर ऊपर आप लगा लेते हो, इधर कोने लगा लेते हो, रेड की लगा ली है, कोई ग्रीन की लगा ली है, तो ये सारों में से धागा यहाँ चले जाना, एक में से यहाँ, एक में से यहाँ, एक में से यहाँ, तो जिस बटन को प्रेस करोगे वो वाला धागा वो यहाँ पे फीड करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये सही, यार्न फीडर्स भी कैरिज के ऊपर होते हैं। हाँ, यार्न फीडर्स भी कैरिज के ऊपर लगे होते हैं, यहाँ पे एक वो क्रील छोटी सी बनी होती है, चार कोने लग सकती होती हैं उसके ऊपर, तो वो चार ही इसके ऊपर सिलेक्टर होते हैं, इनको सिलेक्टर्स कहते हैं, वो धागे पास होते हैं पहले में से, तो आप जिस बटन को प्रेस करते हो वो वाला धागा यहाँ से एक्टिव होकर यहाँ आना शुरू हो जाता है, दूसरे वाला जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, तो नीडल के पास वो वाला बच्चा आपकी आवाज कट रही थी, कुछ समझ नहीं लगी, रिपीट करो दोबारा।
काइंडली रिपीट करें दोबारा क्या पूछ रहे थे। अच्छा चले नहीं, जो भी था चला गया। कैम लॉक्स आपको बता दी हैं, वो एक फिक्स पार्ट और कुछ मूवेबल कैम्स हैं। वो मूवेबल कैम्स लीवर्स के थ्रू होती हैं, तो उन्हीं कैम से टकिंग और वो लूपिंग कैम निट कैम को कहते हैं, क्योंकि उससे लूप बनती है, ठीक है, वो बन जाती है। और इसके अलावा ये वार्प निटिंग की मशीन होती है, ये हमने नहीं पढ़ी तो इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ये आगे वाली यहाँ से आगे ये छोड़ दीजिएगा। वैसे जनरल नॉलेज के लिए अगर आपको उन्हें पूछता हो तो ये वार्प नेटिंग से पूरी फैशन गारमेंट्स बनते हैं, ये वाले जिनके अंदर डिजाइनिंग भी होती है और वो जैसा आप बनाना चाहें वो मशीन ही गारमेंट बना के बाहर निकालती है, ये वार्प नेटिंग की मशीन होती है, ठीक है। तो एक्चुअली ये यहाँ तक आपने इसको देखना है, दैट्स इट, लेक्चर खत्म हो गया। ठीक है सर, वो एक्टिविटी 4, 5 and 6 आपने कब चेक कर दी है? वो चेक हो गई है या अभी होनी है? मुझे होपफुली इस वीक में चेक कर लूंगा। और सर वो यूनिवर्सिटी मतलब कब खुलने का सीन है, कुछ पता है? वो माय 11th of January। 11th of January, ओके, ठीक है बच्चे, थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। Officer. Officer. Hello, officer.